जी चट्टा साहब का शौक, और ये बुली कुत्ते, चार चार डॉग एक साथ। चट्टा साहब, ये कितनी वॉक करवाते हैं आप इनको? इनको तो थोड़ी अभी आजकल तो थोड़ी है। मतलब कोई 2-4-5 किलोमीटर? नहीं हाँ, कोई 1 किलोमीटर भी नहीं, क्योंकि बारी बारी जाना होता है ना फिर। अच्छा, चेन इनको नहीं डालते आप? नहीं, किसी को डालते हैं, किसी को इसको नहीं डाली हुई चेन, समझदार है। अच्छा चट साहब, ये पहले नहीं देखा था हमने ये वाला डॉग जी? ये पहले नहीं देखा था? नहीं, ये तो 8 मैच लड़ा हुआ। अच्छा माशाल्लाह, 8 मैच लड़ा हुआ है, क्या बात है। ये वो जो रिवेंजर था ना, उसका भाई है। अच्छा, रिवेंजर का भाई है ये जी। आप चेक करें जी, चट्टा साहब का शौक। सबसे अच्छी खूबसूरती है चट्टा साहब की, ये खुद इनकी वॉक वगैरह डाइट का खुद देखते हैं। चट्टा साहब के पास अभी हम बस पहुंचे हैं ना, तो चट्टा साहब इस डॉग को वॉक करवा रहे हैं। अब कितना टाइम लग जाता है आपको? 3.5 घंटे। और आपकी भी एक्सरसाइज हो जाती है? हाँ। अच्छा चट्टा साहब, ये बताएं आपकी खुद की एज कितनी है? मेरी अब होगी 50 प्लस 60 प्लस हो गई। माशाल्लाह, चट्टा साहब ने अपने आप को खुद भी बड़ा फिट रखा हुआ है। शौक को अगर अच्छे तरीके से किया जाए ना, तो इंसान जवान रहता है। जैसे चट्टा साहब भी खुद माशाल्लाह जवान है अभी तक और फिट है। इस कुत्ते का क्या नाम है? अवेंजर। अवेंजर, और 8 टाइम मैच विनर है ये कुत्ता। 8 मैच लड़े हैं इस कुत्ते ने माशाल्लाह। ये चेक करें, ज़बरदस्त। ये जी सीज़न की अब बस तैयारी है, और चट्टा साहब का पाकिस्तान का जो सबसे पहला गेम होगी बुली कुत्तों की, वो चट्टा साहब का होगा। चट्टा ग्रुप का पहला मैच है। चट्टा साहब, किस डेट को है मैच? पहले तो ये 26 तारीख को था, इस 10वें की। अच्छा, अभी वो कह रहे हैं कि थोड़ा गर्मी है, तो थोड़ा 10-15 दिन आगे कर। अच्छा, आगे करेंगे आप? मौसम वाकई गर्म है, दोबारा से गर्मी आई है, पिछले 8 दिन से काफ़ी हबस है। जहाँ भाई, क्या कहना चाहेंगे चट्टा साहब के मुतालिक? नहीं, ये चट्टा साहब का वो जितनी पुराने शौकीन है जी, और हर बात को समझते हैं, और पाकिस्तान के सबसे मशहूर और पुराने शिकारी हैं जी चट्टा साहब। बड़े अच्छे अच्छे जानवर हैं फयाज भाई, इनके पास एक नहीं है, 8-10 जानवर हैं जो ज़्यादा है। मेरे ख्याल से आप लोगों को पहले भी शौक कराया, सबसे अच्छी खूबसूरती है पाकिस्तान का एक असासा है जी चट्टा साहब। ये तब से शौक कर रहे हैं जो पाकिस्तान का, कह सकते हैं कि शुरू के शिकारियों में, और सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, सबसे ज़्यादा इन्होंने मैच किए हैं अपनी ज़िंदगी में, और कुत्ते रखे हैं। और चट्टा साहब का एक क्रेडिट ये जाता है कि खुद कुत्तों को तैयार करते हैं, खुद इनकी तैयारी देखते हैं। और आपको और भी शौक दिखाएंगे अभी हम। चेक करें जी चट्टा साहब का शौक, और ये बुली कुत्ते, चार चार डॉग एक साथ, क्या बात है माशाल्लाह। खूबसूरती चेक करें चट्टा साहब, ये आपस में झगड़ा नहीं करते कुत्ते? ये दो अभी बच्चे हैं, ये दो भाई हैं। अच्छा, ये देखे मुझे एग्रेसिव ना हो जाए ये अभी कोई 7 साल के हैं, ये 2 साल। ये देखे मेरी तरफ देख रहा कुत्ता। चट्टा साहब यहाँ पे जी इनको वॉक कराते हैं, और ये मैं आपको दिखाता हूँ जी, ये 4 डॉग हैं एक साथ चट्टा साहब ने निकाले हैं। अब जो बड़े कुत्ते हैं मैच भी दे रहे हैं उनको 1 by 1। शौक चेक कर रहे हैं चट्टा साहब। इस कुत्ते से मुझे डर लग रहा है, क्योंकि ये मेरी तरफ आता है और मुझे घबराहट हो रही है। देखिए, किसी चीज़ की तरह स्मेल तो नहीं ले रहा चट्टा साहब। ये बड़े बिग कुत्ते बनेंगे चारों। मोहम्मद अली चट्टा साहब, बीमार हुआ था पहले, इसकी वजह से पिछले टांगों में मसला है, लेकिन काफ़ी बिग साइज है इसका, और ये भी पट्टा है।
यहाँ पे हमने सुसु वगैरह पूटी जो भी कुछ करना कुत्तों ने, लेकिन कुत्ते कितने समझदार हैं कि ये शहर का इलाका है जहाँ चट्टा साहब रहते हैं और ट्रैफिक भी है, लोग वॉक भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो कुत्ते छोटे उन्होंने ट्रेन किए हैं चट्टा साहब से जाने के इनके मुतालिक कि किस तरह बोले कुत्ते छोटे बच्चे भी हों तो आपस में रखते हैं। लेकिन ये जो कुत्ते हैं इनको चेन नहीं डाली हुई, इनको खुला छोड़ा हुआ, उसके बावजूद ये कुत्ते आपस में एग्रेसिव नहीं हो रहे। कोई अगर कोई बाहर आप ये देख रहे हैं गाड़ियाँ गुजर रही हैं, मैं लाहौरी भाषा को बाहर निकालता हूँ तो एग्रेसिव होता है कुत्ता। चट्टा साहब का शौक देखें और मोहब्बत देखें चट्टा साहब का, कुत्तों के साथ ये बच्चे हैं अभी 9 माह या 1 साल की है। आज लाहौर भी देखें जी आप, लाहौर की खूबसूरती कहते हैं ना एक मिसाल बनी हुई है, जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जमया ही नहीं। अच्छा लाहौर भी तुम दिखाने हैं जी, चट्टा साहब का शौक भी दिखाने हैं। ये सारे बच्चे हैं तीनों चारों? नहीं, ये दो इनके मामू के दो बच्चे हैं, एक दो। अच्छा, ये दो बड़े हैं। ये बड़ा है जो पकड़ा हुआ आपने? ये इसकी बहन के बच्चे हैं। अच्छा, इसकी बहन के बच्चे। ये और ये दोनों भाई। चट्टा साहब इनको किस तरह ट्रेन किए हुए हैं? बूली कुत्ते आपस में लड़ते क्यों नहीं है? तो दिले हुए हैं। अच्छा, ये आपकी घर की ब्रीडर ट्रेन किए हुए हैं आपने? इलाका देखें कितना खूबसूरत है माशाल्लाह। चट्टा साहब सुबह भी कराते हैं या बस शाम के टाइम? ले रहे क्योंकि चट्टा साहब ने ये जो पट्टे हैं ना, एक जो डॉग पकड़ा हुआ है ये बड़ा कुत्ता है, बाकी ये बच्चे हैं।
आपके ग्रुप का क्या नाम है? चट्टा ग्रुप। इसकी बुनियाद ही आपने रखी है? जी जी। कितना अर्सा पहले रखी है इसकी? ग्रुप तो बहुत पुराना हमारा चला आ रहा है, 1980 में लाहौर में हमने ग्रुप बनाया था। अच्छा, लाहौर में बनाया था। कितने ग्रुप थे उस टाइम जब आपने ग्रुप बनाया था? तो ग्रुप लाहौर के ही होते थे, 2-3 ग्रुप थे और लाहौर के, तो आपस में मैच होते थे लाहौर के। लाहौर वाले थे, उनके साथ हमारा कोई रब्ता नहीं होता, सड़कें टूटी होती थी, कोई इतनी दूर जाता नहीं था, ज़्यादा से ज़्यादा अकाड़े तक जाते थे। अब अंदाज़ा है आपको 2024 में 25 का स्टार्ट होने वाला है, कितने ग्रुप है पाकिस्तान में? सुना है 100 से ज़्यादा। 100 से ज़्यादा ग्रुप है। सब क्या तरीक़ेकार होता है जब आप मैच दो ग्रुपों में होता है, सुबह का टाइम टास होता है और फिर आपस में क्या मीटिंग होती है? मीटिंग में यही होता है कि अभी कुत्तों का टाइम है गौर का, अभी पहले मिनट में कितनी करेगा और उसके बाद अगर कोई करेगा तो भौंकेगा या बोलेगा तो वो फिर काट दिया जाएगा। बाकी रेफरी को समझाते हैं कि भाई आप जो भी अपना लानी कुरानी तौर पर आप करें फैसला जो है, तो बाकी दो बंदे लड़ाने वाले होते हैं, इसी तरह ही होता है जिस तरह चला आ रहा है। तो साहब जितने भी शौक हैं, जैसे कबूतरों का शौक़ है, अब सीज़न भी है कबूतरों का और पाकिस्तान में ये बड़ा किया जाता है, इसमें भी उस्ताद शगिर्दी का होता है जी, और अगर आप किसी को उस्ताद ना लें तो कुत्ता ही कबूतर ही नहीं उड़ा सकते आप। बुली कुत्तों का जो शौक़ है महंगा भी है, टाइम जैसे आप अपने कुत्तों को खुद देखते हैं, उनकी डाइट देखते हैं, उनकी वॉक वगैरह हर एक चीज़ आप खुद देखते हैं, काफ़ी कुत्ते भी रखे हुए हैं आपने अपने पास, पुराने पाकिस्तान के आप पुराने वाहिद ऐसे बंदे हैं जो शौक़ कर रहे हैं आज की डेट तक कर रहे हैं, हर साल कुत्ते लड़ाते हैं, तो बुली कुत्तों में ये क्यों नहीं है इस तरह का? पहले तो होती थी उस्तादी शिगिर्दी, आप तनसी काम ही हो गई है, पहले तो होते थे जब आज से 30-40 साल पहले ग्रुपों को प्रमोट किया और वो आज पाकिस्तान लेवल पर अच्छा मैच कर रहे हैं, अच्छा उनका एक नाम है। चट्टा साहब मौजूदा ये जो अब शौक स्टार्ट होने वाला है, अक्टूबर से आपका मैच है, सबसे पहले आपका ही मैच है, मौसम को आप देखेंगे, अगर मौसम गर्म रहा तो उसकी डेट पीछे ले जाएंगे नवंबर में, और अगर मौसम ठीक रहा तो उसको फिर अक्टूबर में ही होगा मैच, आप क्या देखते हैं कि ये सीज़न किस तरह कैसा होगा शौक शिकार के लिए? अच्छा शौक होगा सीज़न, अच्छा शौक होगा। हाँ जी। और पहले की नस्बत बेहतर होगा शौक? पहले जैसा ही होगा, जिस तरह पहले चलता आ रहा है उसी तरह ही होगा। चट्टा साहब जिस तरह के मामला जा रहे हैं, शौक बड़ी इस सीज़न कह लें कि सोशल मीडिया का तो बड़ा रहा है, ग्रुपों का बहुत रहा है, ग्राउंड में भी इसी तरह रहेगा, मैच हो जाएंगे? हाँ इंशाल्लाह, उम्मीद तो यही है कि मैच हो जाएंगे। सोशल मीडिया जो है ना, ये बल्कि शौक को ख़राब कर रहा है, बाकी तो अच्छे मैच हो जाने चाहिए। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सोशल मीडिया के लिए, व्हाट्सएप ग्रुपों में क्या जो आजकल डिबेट होती है, नया से नया झगड़ा, नई से नई इज्जतों को उछालते हैं उसमें, आप इसके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरे हिसाब में तो ये नहीं होना चाहिए, जैसे पहले मैच लड़ रहे थे लोग आपस में अच्छे